नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम बिहार का, तो रुक करते हैं बिहार की पहली खबर की ओर। खबर बिहार से है। रोहतास जिले के डेहरी बस स्टैंड परिसर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। मंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं मंत्री ने भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरदार पटेल एक व्यक्ति नहीं थे, सरदार पटेल एक विचारधारा का नाम सरदार पटेल है। सरदार पटेल ने किसानों के लिए, सरदार पटेल ने गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए उन्होंने काम किया। और आज अगर देश के अंदर कहीं संकट पैदा होता है या देश पर कोई संकट पैदा करने की कोशिश करता है, उस समय सरदार पटेल को लोग याद करते हैं। तो सरदार पटेल के रास्ते पर चलते ही इस देश की तरक्की हो सकती है, इस देश का विकास हो सकता है, इस देश में अमन और शांति आ सकता है। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सरदार पटेल के रास्ते पर चल के इस राज्य को आगे बढ़ाने में, राज्य को आगे ले जाने में जो काम सरदार पटेल चाहते थे, वही काम श्री नीतीश कुमार जी बिहार में किसानों के लिए कर रहे हैं। खबर नालंदा से है। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर पटना के वेटरनरी कॉलेज के मैदान में भीम संवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस भीम संवाद एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा जिले में जदयू कार्यकर्ताओं का खासा उत्साह देखा गया। इसी कार्यक्रम को लेकर चंडी से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार पटना की ओर रवाना हुए हैं। और चुनाव में मात्र अब 4-5 महीना रहा है, तो निश्चित रूप से इसको ये भी माना जा सकता है कि हम लोग भी चुनावी मैदान में अपना बिगुल फूंक दिए हैं और हमारे नेतृत्व जो हमारा करने वाले नेता हैं उनके नेतृत्व में हम लोग इस भीम संवाद से भी तैयारी की शंखनाद शुरू किए हैं। भीम संवाद से ये जो आप देख रहे होंगे, मैंने कहा कि जो शोषित पीड़ित था या जो गरीब वर्ग के लोग थे जिनको संविधान के माध्यम से हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वह सरकार ऐसी नीति और ऐसी पॉलिसी बना रही थी जिससे यह स्पष्ट हो रहा था कि संविधान में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए यह भीम संवाद शंखनाद है। खबर बिहार से है, जहां बिहार के बाढ़ शहर में जगन्नाथम हाई स्कूल के पास नवनिर्मित जगन्नाथन चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन बाढ़ के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सियाराम सिंह ने किया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह यानी ज्ञानू मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर चेयरमैन संजय कुमार उर्फ गाय माता मौजूद रहे। खबर बिहार से है। बिहार के बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू प्रसिद्ध उमानाथ मंदिर धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा अर्चना की। साथ ही उमानाथ धाम के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ की सौगात भी दी है। खबर बिहार से है, जहां बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहे पर युवा राजद ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। इस धरने में बड़ी संख्या में युवा राजद के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं इस मौके पर नालंदा जिला युवा राजद जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने झूठे वादों से देश की जनता को ठगने का काम किया है। विधान दिवस के अवसर पर मैं धन्यवाद देता हूं युवा के प्रदेश अध्यक्ष को, जिसने कि आज ग्राम चौपाल लगाने का कार्यक्रम रखे हैं। संविधान दिवस के अवसर पर ग्राम चौपाल के माध्यम से लोगों में यह संदेश देना चाह रहा हूं, पूरे बिहार की जनता में यह संदेश दिया जा रहा है कि आने वाला 2024
नरेंद्र मोदी का उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेने का दिन है और संविधान बचाओ देश बचाओ यही नारा के साथ हम लोग जो है बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार और देश में जो नरेंद्र मोदी ने जुमलेबाजी किया है नौजवानों के साथ ठगने का काम किया है उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प आज लेने का समय आ गया है। संविधान दिवस के अवसर पर मैं धन्यवाद देता हूँ युवा के प्रदेश अध्यक्ष को जिसने कि आज ग्राम चौपाल लगाने का कार्यक्रम रखे हैं। संविधान दिवस के अवसर पर ग्राम चौपाल के माध्यम से लोगों में यह संदेश देना चाह रहा पूरे बिहार की जनता में यह संदेश दिया जा रहा है कि खबर बिहार से है जहां भारत सरकार की एडिप योजना के तहत सोगरा उच्च विद्यालय के मैदान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरणों का निशुल्क वितरण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार उपस्थित रहे। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार का एक मिनी रत्न उपक्रम है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के तत्वाधान में काम कर रहा है। आपको बता दें कि एडिप योजना के अंतर्गत कुल 1160 दिव्यांगजन लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था। देखिए आज बिहार शरीफ के सोगरा स्कूल के अंतर्गत जो है आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जो केंद्र द्वारा जो है और सरकार के सहयोग के साथ हो रहा है। ये एलिम्फो एक कंपनी है जो मोटर ट्राइसाइकिल जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आज जो पहले से रजिस्टर्ड लोग जो थे जो दिव्यांगजन थे उनको आज हम लोग मोटरसाइकिल देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये पूरे नालंदा में भिन्न भिन्न प्रखंडों में ये कार्यक्रम होगा लेकिन आज हम लोग स्पेशली सिर्फ बिहार शरीफ में बता देता हूँ 82 मोटराइज ट्राईसाइकिल है, 493 ट्राईसाइकिल है, 213 फोल्डिंग व्हील चेयर है, इसी तरीके से 598 बैसाखी है, 78 गो वॉकिंग स्टिक है, इसी तरीके से लोगों को ब्लॉक बाई ब्लॉक बांटने की व्यवस्था की गई है और आज सिर्फ ट्राईसाइकिल। खबर नालंदा से है, नालंदा में दबंगों के हौसले बेहद बुलंद हैं। ताजा मामला बिहार शरीफ से है जहां मुख्यालय के नगर थाना क्षेत्र का है जहां जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों के साथ दबंगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से उन्हें जख्मी कर दिया। घटना के संबंध में जख्मी ने बताया कि हमारा धीरज यादव के साथ पारिवारिक जमीन का विवाद चल रहा था। इस जमीनी विवाद में स्थानीय प्रशासन ने मेरे पक्ष में फैसला दिया था, इसी बात से बौखलाए धीरज यादव ने करीब आधे दर्जन दबंगों के साथ लाठी डंडे से मेरे परिवार पर हमला कर दिया। गौरतलब है कि दबंगों के इस हमले में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। साथ ही इस दौरान दबंगों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से कई राउंड फायरिंग भी की। अपना खेत में जिनोरी काटने गए वो बोला कि नहीं काटो, तो हम बोले कि काटेंगे, तो कहा जान मार देंगे तुमको, तो हम बोले कि जान मार दो लेकिन हम जिनोरी काटवे करेंगे। तो के लोग था जो मार रहा था? वो मेरा 6 था। अच्छा, तो विवाद को चिखले? विवाद खेत के था सर। ओ, तो आज क्या हुआ? आज वही खेत में हम सीओ साहब आदेश दे चुके हैं, थाना भी आदेश दे चुका है, ISP साहब थे बोले कि जाके अपना काम कीजिए खेत में। अच्छा। कुछ करेगा तो हम समझेंगे। आज मारा और थाना में पैसा दे देता है बार बार सर, और थाना अभी नहीं लेते हैं। तो क्या चीज से मारा आज? कुदार से मारा। अच्छा, हथियार भी ले? बंदूक ले लेते। खबर नालंदा से है जहां नालंदा के रहुई मैदान में 7 दिवसीय श्री भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की तैयारी जोरों पर है। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक अविनाश मुखिया ने प्रेस वार्ता कर इस कार्यक्रम की जानकारी भी दी है। भागवत कथा का कार्यक्रम रहुई प्रखंड के ब्लॉक मैदान में कार्यक्रम है। 27 नवंबर को सुबह 7 बजे कलश यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है जो कि रहुई प्रखंड रहुई थाना के सामने मंदिर से कलश उठा के माता एवं बहनों द्वारा पूरा रहुई बाजार भ्रमण करके फिर वापस यहीं आएंगे। फिर 28 नवंबर संध्या 5 बजे से
भागवत कथा का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि श्री श्याम शुभम जी महाराज जी के द्वारा कथावाचक हैं। वृंदावन से चलकर रहुई की धरती पर आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास, हर चुनाव रहा है बेहद खास। बीजेपी के गढ़ में नहीं गलती किसी की दाल, क्यों नहीं कर पाता यहां कोई दल कमाल। योगी के साक के सामने क्या होगा विपक्ष का खेल, देखिए देश का मुखिया कौन में गोरखपुर करण 1 दिसंबर 2023 शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस, आपको दिखाएंगे सूबे से